नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्स काई में आपका स्वागत है। सफेद मोतियों की तरह दिखने वाला छोटे आकार का साबूदाना व्रत उपवास में प्रमुख रूप से खाया जाता है। वैसे तो इसका प्रयोग केवल फलाहार के तौर पर किया जाता है, लेकिन इसके गुणों से अभी तक कई लोग अनजान ही हैं। अगर आप भी नहीं जानते तो चलिए आपको बताते हैं, साबूदाना का सेवन सुबह खाली पेट करने से आपको क्या लाभ मिलते हैं। साबूदाना खाने से आपको पेट की समस्या से राहत मिलती है, आपका एनर्जी लेवल बरकरार रहता है। ब्रेकफास्ट के लिए साबूदाना बेहतर फूड है। वजन कम करने में भी साबूदाना मदद करता है और मसल्स की ग्रोथ को बढ़ाने में भी ये कारगर होता है। इसके अलावा साबूदाना आपको तरोताजा रखने में मदद करता है। जब किसी कारण से पेट खराब हो या दस्त की शिकायत हो तो ऐसे में बगैर दूध डाले साबूदाने की बनी हुई खीर बेहद असरकार साबित होती है। साबूदाने में पाया जाने वाला पोटेशियम रक्त संचार को बेहतर कर उसे नियंत्रित करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। पेट में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर साबूदाना खाना काफी लाभप्रद सिद्ध होता है और यह पाचन क्रिया को ठीक भी करता है। बता दें, साबूदाने में 10.99 ग्राम पानी, 358 कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूध में साबूदाना का सेवन करने से इसमें मौजूद कैल्शियम और विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती हैं और साथ ही मसल्स की ग्रोथ भी बढ़ाती हैं। इसलिए दूध में साबूदाना खाना फायदेमंद माना जाता है। वहीं खाली पेट साबूदाना इसलिए खाना चाहिए क्योंकि इसका सेवन करने से दिन भर किए गए काम की थकान से छुटकारा दिलाता है और एक्टिव फील कराता है। इसमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा पाई जाती है और यह ब्रेकफास्ट के लिए साबूदाना बेहतर फूड है, जो कि आपके लिए वजन बढ़ाने में भी मदद करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।